चलिए हम देखते हैं आज से 50 वर्ष पूर्व रायपुर शहर कैसा था। बच्चों, ये है रायपुर का वर्षों पुराना जयस्तंभ चौक, जो शुरू से ही शहर का हृदय स्थल रहा है। इस चौक से होकर जाती हुई सड़क, जिसे मालवीय रोड के नाम से जाना जाता रहा है, इस सड़क से लगी हुई कई सकरी गलियां हुआ करती थी और गलियों के किनारे छोटे छोटे ठेले और गुमटी हुआ करती थी। जरूरत का सारा सामान यहाँ मिल जाया करता था। अब आप देख रहे हैं उस समय का रायपुर शहर का बस स्टैंड, जो कि जयस्तंभ चौक के पास ही था। बच्चों, उस समय यातायात के लिए रायपुर शहर के लोग राज्य परिवहन की बसों का प्रयोग करते थे, तो उन बसों का नियंत्रण और परिचालन इसी बस स्टैंड से हुआ करता था। अब आइए देखते हैं रायपुर के रेलवे स्टेशन की उस समय क्या स्थिति थी। ये है रायपुर का वर्षों पुराना रेलवे स्टेशन। उस समय यहाँ से आने जाने वाली रेलों की संख्या आज की अपेक्षा काफ़ी कम हुआ करती थी, और हाँ, रेल में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी कम हुआ करती थी। बच्चों, रायपुर शहर हमेशा से ही अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। अपने सनातन धर्म और संस्कृति को संजोए आज भी कई स्थान यहाँ पर हैं। ये है रायपुर में पुरानी बस्ती स्थित दूधाधारी मठ, और कंकालीपारा में स्थित कंकाली मंदिर और कंकाली तालाब, जो कि वर्षों से ही रायपुर की संस्कृति का प्रतीक रहा है। इसी तरह रायपुर शहर में बूढ़ापारा में यह बूढ़ा तालाब, जो कि शुरू से ही शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, अपनी दौड़ भाग की जिंदगी से बचाए कुछ फुर्सत के पल आज भी लोग यहाँ बिताना पसंद करते हैं।